हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बहुत बार प्रीवियस ईयर के अंदर लॉन्ग ऐसे टाइप के अंदर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जितने भी टीचिंग कंपेटेटिव एग्जाम है उसमें भी इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इसको डिटेल में करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कितना इसको लिखना चाहिए अगर थ्योरी में आ जाता है, कैसे कंपेटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और जो है ईजी से आप इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हो वो भी डिस्कस करेंगे। वैसे ही ऑलरेडी बहुत सिंपल सी है, मज़ेदार सी है, आपको वैसे ही बहुत ईजी समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी आप कभी नहीं भूलो तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एरिक्सन के बारे में समझ लेते हैं कि एरिक्सन कौन थे, और फिर इनकी स्टेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एरिक एरिक्सन जो थे वो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1950 के अंदर। इस बुक के अंदर इन्होंने अपनी एट स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। ये जो एट स्टेजेस है वो क्या बताती हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताती हैं कि कैसे जो एक बच्चा है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, मतलब स्टार्टिंग से लेके अंत तक कैसे उसके अंदर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। किस चीज़ की डेवलपमेंट, वो सारी कहानी इन्होंने अपनी इस एक लाइन के अंदर ही डिस्कस कर रखी है, ठीक है। साइको सोशल जो एक टर्म इन्होंने यूज़ किया, इस एक ये जो एक टर्म ही है इनकी पूरी थ्योरी को डिफाइन कर देती है। कैसे, मतलब इनका मतलब जो है, जो साइकोलॉजिकल का मतलब है उसका मतलब होता है माइंड, और जो सोशल का मतलब होता है उसका मतलब होता है रिलेशनशिप, ठीक है। जो हमारे रिलेशंस हैं वो हमारे माइंड के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, उससे ही हमारा एटीट्यूड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि बच्चा है फैमिली के अंदर, उसकी फैमिली के फैमिली का उसके साथ क्या बिहेवियर है वो इम्पैक्ट डालेगा उसके ऊपर, नेगेटिव या पॉजिटिव। ऐसे ही बच्चा जब स्कूल जाता है तो टीचर का कैसा बिहेवियर है तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट आता है कि नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है। इस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रास्ट के अंदर बातें बताई हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी बताया, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताया, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक है। तो मतलब इन्होंने मेन जो है रिलेशनशिप को फोकस किया है कि हमारी जो सोसाइटी है और जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो हमारे जो है एटीट्यूड का निर्माण करते हैं, हमारे माइंड को जो है शेप देते हैं। फिर हमारे पास इन्होंने बात की एक टर्म की जिसको कहा है साइकोलॉजिकल क्राइसिस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, क्राइसिस का मतलब यहाँ क्या है, क्राइसिस मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है। किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्टेजेस में उन्होंने यही समझाने की कोशिश किया कि जैसे कि फैमिली है, मान लो बच्चे के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, एक मिसट्रस्ट की फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। कि जब उसकी फैमिली मेम्बर्स ही अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं तो वो जब आगे लोगों के साथ मिलेगा तो वो उनको जो है समझ नहीं पाएगा। अगर फैमिली बहुत लविंग है, उसको उसके जो है अंडरस्टैंड करती है उसकी डिज़ायर्स को, उसके एटीट्यूड को, तो उसके अंदर क्या आएगा, आगे जाके भी एक ट्रस्ट की फीलिंग क्रिएट होगी। तो इस तरह से जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है कभी होगा कभी नहीं होगा, तो ये जो है चलता रहता है। तो इसलिए इसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहा है कि बच्चे के माइंड के अंदर जो है ये क्राइसिस जो है होते हैं। तो कुछ एट क्राइसिस की इन्होंने बात की है, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, और वो ही जो है बच्चे की ग्रोथ और पर्सनैलिटी को बनाते हैं। तो ये हमारे पास चार्ट है, एक टेबल है कि पूरी थ्योरी को आप जो है एक ही बार में याद कर सकते हो। स्पेशली अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जो ये चार्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि एक ही मतलब पेज पे आपको पूरी जो है एक पिक्चर आपके सामने आ जाती है। जब आप थ्योरी एग्जाम के लिए भी जा रहे हो तब भी आप जो इस चार्ट को एंड में एक बार देख सकते हो, तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी हमें डिटेल में समझना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली जो है फर्स्ट थ्री जो है ये तो आप बना ही सकते हो, पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो। ये पार्ट अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, एंड ऑफ द वीडियो ही समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का क्या मतलब है। बाकी मेन अभी आपको इसमें यही देखना है इस चार्ट के अंदर कि ये हम जो एट स्टेजेस हैं जो कि एरिक्सन ने दी थी इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक जो है उन्होंने कॉन्ट्रास्ट के वे में लिया है, ट्रस्ट होगा या बच्चे की लाइफ में मिसट्रस्ट होगा, कौन सी ईयर के अंदर होगा, 0 से 18 मंथ में, ठीक है। तो इस तरह से ईयर्स भी इन्होंने बताया कि इस ईयर के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो सकता है। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। स्टेज है हमारे पास ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि 0 से 18 मंथ तक चलती है, ठीक है। इसके बीच में जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बच्चे के मन में अराइज होता है। तो सबसे पहले आपकी फैमिली में ऐसे बच्चे को सामने लेकर आओ, या आपके रिलेटिव हो, या आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, कहीं भी ऐसा बच्चा जो कि 0 से 18 मंथ का है, ठीक है, उसको अपने सामने लाओ और उसके सर के ऊपर लिख दो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। एक इमेज बनाओ, जिसके अंदर जो है वो बच्चा है और आपने ये सब लिख दिया, और अब उसके बारे में सोचो कि उसकी लाइफ के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो लोगों के ऊपर ट्रस्ट करेगा या मिसट्रस्ट करेगा, ठीक है। ट्रस्ट कब करेगा, जब उसके जो पेरेंट्स हैं उसको एक अच्छी उसकी डिज़ायर को कंप्लीट कर रहे हैं, उसको अच्छे से होल्ड करते हैं, फीड करते हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक फीलिंग जनरेट होगी, वो है ट्रस्ट करने की, ठीक है। और वो ईजी से दूसरों के ऊपर भी ट्रस्ट कर पाएगा जब वो बड़ा होगा। अब मिसट्रस्ट की फीलिंग कब आती है बच्चे के अंदर, जब जो है उसको निग्लेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसको अच्छी केयर नहीं दी जा रही, तो उस केस के अंदर जो है वो
कंफर्टेबल फील नहीं करता, एक जो है मिसट्रस्ट की फीलिंग उसके अंदर आती है, और वो जो है आगे जाके भी जो है दूसरों के साथ वो फेस कर सकता है कि दूसरों के ऊपर वो इजी से ट्रस्ट नहीं करेगा। ओके, तो अब जो है ये सारा सीन आपको याद आ जाएगा, जब भी आपको कोई चीज़ जो है भूलती है अगर बार बार, तो अपने माइंड में उस चीज़ की पिक्चर बना लिया करो, किसी पर्सन के साथ उसको कनेक्ट कर दिया ना, तो जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठे और उस चीज़ रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन आया, उस पर्सन को सामने लाओगे, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। बच्चा जो है वो 0 से 18 मंथ का होना चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर ये लिख दो इसका नेम, और उसके बारे में सोचो कि लाइफ में ये कॉन्फ्लिक्ट उसके साथ हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जो कि 18 मंथ से 3 ईयर तक चलती है। तो अपने सामने एक ऐसा बच्चा लाओ जो इस एज के अंदर है, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स के अंदर, सेम बच्चे को मत इमेजिन करना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, अलग अलग पर्सन को इमेजिन करो। नहीं है तो अपनी तरफ से ऐसी कोई विजुअलाइज कर लो और उसके माथे पे लिख दो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। माथे पे मत लिखना, थोड़ा सा ऊपर लिख देना, और सच में जाके नहीं लिखना, सिर्फ इमेजिन करना है, ठीक है, अपनी बुद्धि के अंदर सिर्फ याद रखने के लिए देखना है। तो अब क्या है, सबसे पहले आप जो है 2 लाइनें लिख देंगे कि क्या ईयर चल रहा है और कौन सी लेके ये स्टेज है, कौन सा क्राइसिस जो है बच्चा फेस करता है। अब इस स्टेज में क्या होता है, जब बच्चा इस एज के अंदर होता है तो वो अपने आप से चीज़ों को करना चाहते हैं जो खुद की उसकी चीज़ें हैं, जैसे कपड़े पहनना, खुद को खाना खिलाना, ठीक है, जो और करते थे वो सेल्फ करने की कोशिश करता है। अब इसके अंदर क्या है, अगर पेरेंट्स जो हैं उसको इनकरेज करेंगे, प्रेज करेंगे, तो उसके अंदर वो सेल्फ जो चीज़ें हैं करने की जो है वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, वो एक ऑटोनॉमी मतलब एक स्वराज्य या कह सकते हो स्वतंत्रता फील करेगा, कॉन्फिडेंस फील करेगा। लेकिन यही जो है अगर पेरेंट्स जो हैं उसको डांट रहे हैं कि आप क्यों अपने आप से खाना खा रहे हो, आपको नहीं खाना आ रहा है, आप क्यों अपने आप से कपड़े पहन रहे हो, आप सही नहीं पहन रहे हो, डिस्करेज कर रहे हैं, तो उसको अपने आप ही डाउट रहेगा, अपने काम जो वो कर रहा है ना उसके ऊपर आगे जाके उसके अंदर एक फीलिंग आएगी जिसमें अपनी एबिलिटीज पे वो डाउट करेगा। इसलिए ये जो है दोनों कॉन्ट्रास्ट को बताया। तो अब आप बच्चे को देखें कि अगर उसके पेरेंट्स उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो उसके अंदर ये वाली फीलिंग जनरेट होगी कॉन्फिडेंस की, स्वराज्य वाली, कि यस वो अपने काम को बहुत कॉन्फिडेंस से करेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स उसको डांट रहे हैं तो उसके अंदर ये वाली फीलिंग आ जाएगी। तो दोनों फेसेस जो है अपने जो माइंड में विजुलाइज कर लो उसके। नेक्स्ट चीज है हमारे पास इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जब बच्चा 3 से 5 साल का है। तो 3 से 5 साल के बच्चे को अपने बुद्धि में इमेजिन कर लो, अब उसके साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट आता है, या तो वो इनिशिएट होगा, इनिशिएट लेगा एक्टिविटीज करने के लिए, या फिर वो गिल्ट में जाएगा, मतलब कभी भी हाथ खड़ा नहीं करेगा, आगे नहीं आएगा। तो इसमें क्या है कि क्या होता है, नई नई चीज़ों को बच्चा एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। पहले वाली स्टेज में वो सेल्फ वर्क को करना शुरू करता है, लेकिन नाउ अब वो थोड़ी एक्टिव हो गया, बाहर की न्यू न्यू एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। बात वही रहेगी इसमें भी कि अब बच्चे को पेरेंट्स जो है वो प्रेज करें, उसको गाइड करें कि हाँ आप एक्सप्लोर करो, उसको मोटिवेट करें, तो वो हर चीज़ में इनिशिएट लेगा आगे जाके, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे टीचर पूछती है ना क्लास में, तो बच्चा अगर ऐसा होगा तो हर चीज़ में उसका हाथ खड़ा होगा। लेकिन अगर उसके अंदर गिल्ट है, मतलब उसको अपने आप पे डाउट है, तो वो हाथ नहीं खड़ा करेगा, हमेशा डरेगा। वैसे हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन करते थे क्लासरूम के अंदर, हमारा हाथ ही नहीं खड़ा होता था, लेकिन हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं थे। तो इसको आप, इस लाइन को आप इसके क्रिटिसिज्म में, डीमेरिट में लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं होता। कई बार बच्चे के अंदर शायनेस होती है, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं होते। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए बच्चे को पनिश करते हैं, इसकी वजह से उसके अंदर एक गिल्ट की फीलिंग रहती है। लेकिन कई बार पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, फिर भी बच्चा जो है शायनेस के कारण अपना जो है वो हाथ खड़ा नहीं करता है, उसको अपने आप पे डाउट होता है। तो ये जो है आप एक क्रिटिसिज्म के अंदर लिख सकते हो, बाकी स्टेज के अंदर यही है। आप दोनों चीज़ों को इमेजिन कर लो। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास, और नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास इंडस्ट्री वर्सस इन प्रायोरिटी, जो कि 6 से 11 साल के बच्चे के बीच में होती है। ये वाला जो क्राइसिस अगर होता है, इसमें जो है बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया, उसको अपने फ्यूचर के बारे में उसको प्रिपेयर किया जाता है। जो टीचर है, ठीक है, वो उसको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है। तो इसलिए उसके सामने ऐसी सिचुएशंस रखी जाती हैं जिससे वो बाहर के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करे। तो क्या होता है, बच्चा कुछ चीज़ों में अचीवमेंट्स लेकर आता है, अकम्प्लिशमेंट करता है, ठीक है, उसकी क्षमताएं जो है वो पता चलती हैं, तो बच्चे के अंदर एक प्राइड की सेंस आती है, ठीक है, उसको ही हम इंडस्ट्री वाली मतलब फीलिंग कहते हैं। कि बच्चा जो अगर सक्सेस अचीव कर रहे तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक प्राइड आता है कि वो जो है इन चीज़ों को कर सकता है। लेकिन अगर उसको बार बार फेलियर फेस हो रही है, मान लो टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, जब प्रोजेक्ट जो मिल रहा है वो उसको अकम्प्लिश नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर लैक ऑफ सक्सेस की फीलिंग आती है, जिसकी वजह से इनप्रियोरिटी मतलब हीनता का भाव आता है कि पता नहीं मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं, मैं आगे जाके क्या करूँगा। तो इस तरह की जो फीलिंग है वो बच्चे के अंदर आती है।
नेक्स्ट इज आती है हमारे पास इडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जो कि 12 से 18 ईयर के जो बच्चे हैं उनके बीच में एक क्राइसिस देखने को मिलता है, जब बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, ठीक है, अब उनको अपने फ्यूचर की टेंशन है, मतलब अपने प्रोफेशन की, कि उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या टीचर बनना है, ये सारी चीज़ें जो उनके सामने कन्फ्यूज़ करते हैं उनको आके, कि वो कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, तो ये वो वाली स्टेज है। तो 12 से 18 साल का बच्चा अपने सामने देखें जो आपके फैमिली में है, जो इस स्टेज से जा रहा है, तो ऑब्वियसली उस वो इस स्टेज को फेस कर रहा होगा कि आगे जाके उसको क्या लेना है, और वो हमसे भी कई बार पूछते हैं कि कॉमर्स लें आर्ट्स लें, तो ये कंफ्यूजन होते हैं। कुछ जो है उनको वो किसी की नहीं सुनते, उनको पता है कि हमें नॉन मेडिकल लेनी है तो वही लेनी है, ठीक है, हमें कॉमर्स लेना है तो लेनी है, किसी से पूछते ही नहीं है, तो वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं कन्फ्यूजन में होते हैं। अब इसमें तो इसमें भी चीज़ें आती है कि कई बार मान लो कि ये डिपेंड करता है कि पेरेंट और टीचर जो है वो बच्चे को सपोर्ट करते हैं, उसको एक्सप्लोर करने दे रहे हैं कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तब तो वो अपने आप जो उसकी क्या कहते हैं एबिलिटीज़ हैं या उसकी लेके अपनी वो फ्रीडम के कारण अपनी इंटरेस्ट को पहचान पाता है, अपनी आइडेंटिटी को पहचान पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर उसको रिस्ट्रिक्शन मिल रही है कि अगर पेरेंट्स ने कह दिया कि नहीं तुम्हें इसी स्ट्रीम में जाना है, जो है यही करना है, तो उसमें क्या है कि उसको अपने आप पे हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी, वो अपने आप को पहचान नहीं पाता, अपने इंटरेस्ट को, अपने बिलीव को, अपनी वैल्यूज़ को समझ नहीं पाता। इसलिए यहाँ पे जो है टीचर को, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उसको फ्रीडम देनी चाहिए अपने रोल को एक्सप्लोर करने के लिए, और इससे क्या है वो अपनी वैल्यूज़ और गोल्स इंटरेस्ट को पहचान पाएगा। लेकिन यहाँ पे वो हमेशा ही कन्फ्यूजन में रहेगा। तो ये जो है हमारे पास कंपेटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो कि वो आपको पूछ लेंगे या फिर क्वेश्चन के अंदर यही पूरा उठा के दे देंगे कि वो कौन सी सिचुएशन है, ठीक है, वो कौन सी आपके पास, मान लो सिर्फ ये लाइनें लिख देंगे और बताएंगे कि स्टेज का नाम बताइए, तो वो आपको जो आइडेंटिफाई करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये 90 से 40 ईयर्स की एज के बीच में आती है, तो कोई पर्सन जो इस एज के बीच में चल रहा हो, और उसमें क्या है कि 3 स्टेजेस से वो गुजरता है, तो उसको अपना फ्रेंड्स मिलते हैं, अपने उसने सेलेक्ट कर लिया होता है कि मान लो कि उसको इंजीनियरिंग करनी है तो वहाँ उसको फ्रेंड्स मिलेंगे, फिर जॉब में उसके कॉलीग्स होंगे, फिर उसकी शादी होती है तो उसकी फैमिली बनती है। तो इन सब के साथ जो है या तो वो आइसोलेट फील करेगा या फिर एक इंटिमेसी फील करेगा, मतलब एक क्लोज बॉन्ड फील करेगा, उनके साथ कंफर्टेबल फील करेगा, उनके साथ अपनी बातें शेयर करेगा, ठीक है, तो एक बॉन्डिंग फील करता है। या फिर अगर मान लो रिलेशंस अच्छे नहीं है, उसको अपना रिलेशन बनाने में दिक्कत आती है, तो क्या होता है रिजेक्शन फील होती है, फियर होने के कारण वो एक आइसोलेशन में रहना पसंद करता है। तो ये स्टेज जो है हो सकती है, दोनों तरह की चीज़ें जो है फेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है जो नेटिविटी और स्टैग्नेशन, जो कि 40 से 65 ईयर्स के बीच में होती है। इसके अंदर सबसे पहले जर्नेटिविटी का मतलब समझ लेते हैं। जर्नेशन वर्ड से ही आया, जिसका मतलब उदारता होता है। वैसे जर्नेटिविटी का जर्नेशन हमको पता है कि नेक्स्ट आपकी जो जर्नेशन है आप उसके बारे में कंसर्न कर रहे हो, अब आप सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन कुछ करना चाहते हो, सोसाइटी के लिए और आने वाले बच्चों के लिए कुछ करके जाना चाहते हो, इसको कहते हैं जर्नेटिविटी की फीलिंग। तो मोस्ट ऑफ जो इस एज के अंदर वो स्टार्ट हो जाती है। फिर है हमारे पास एक स्टैग्नेशन भी है वर्ड, इसका मतलब है कि आप जब ऐसी फीलिंग करते हो कि आपने कुछ पर्पसफुली नहीं किया, कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, ठीक है, या कुछ आपके अंदर आइडियाज़ नहीं आ रहे ऐसा, और आप पर लैक ऑफ पर्पस फील करते हो, तो वो स्टैग्नेशन की स्टेज होती है। तो इस एज में दोनों चीज़ें हो सकती है, किसी पर्सन के साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जर्नेटिविटी की फीलिंग तब आएगी जब आप कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में सोच रहे हो सोसाइटी के अंदर, तो वो सेंस ऑफ जर्नेटिविटी अकर होती है। स्टैग्नेशन के अंदर इंडिविजुअल जो है एक फील करता है कि उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है सोसाइटी के अंदर, वो नहीं ला पा रहा है, या प्रोडक्टिव या क्रिएटिव उसकी चीज़ नहीं है या थिंकिंग नहीं है, तो इसलिए वो अपने आप के अंदर एक ठहराव फील करता है। फिर नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर, ये लास्ट स्टेज है, ये 60+ टिल देन दैट, ठीक है, कहीं कहीं आपको 65 भी मिलेगा, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन जो है मेन हमें जनरल चीज़ जो है वो ये समझ में आती है कि जो 60+ जब ओल्ड एज आ जाती है, मेच्योरिटी की एज आ जाती है, तब ये चीज़ आती है हमारे, या तो ईगो इंटीग्रिटी होगी। ईगो इंटीग्रिटी आप एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब कि वो अपने आप को फुलफिल समझेंगे कि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, ठीक है, एक होती है ना सेटिस्फेक्शन होती है, कई बुजुर्ग होते हैं जिनको उनके चेहरे पर आप सेटिस्फेक्शन देखोगे, चेहरा खिला हुआ होगा कि हमने एक मीनिंगफुल लाइफ को स्पेंड किया, तो उस सेंस को क्या कहते हैं विजडम की सेंस कहते हैं, ठीक है, वो अपने आप को जो फुलफिल समझते हैं। लेकिन डिस्पेयर की जो कंडीशन है वो उन बुजुर्गों में आती है जो लेके समझते हैं कि हमने लाइफ में बहुत कुछ खोया है, या अपने आप में फील करते हैं हमने यहाँ पे बैड डिसीजन लिए थे, हमने ये लाइफ के गोल्स अचीव नहीं किए, तो ऐसे लोग भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जो है वो अकर हो सकती हैं, तो किसी भी पर्सन को आप इमेजिन करके देखें कि अगर उनकी लाइफ में ऐसा होगा तो ऐसा फील करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा फील। नाउ वी हैव मेरिट्स ऑफ एरिक्सन थ्योरी, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या डिटेल इंसाइट दी है साइको सोशल कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि कैसे सोसाइटी जो है माइंड के ऊपर इम्पैक्ट करती है, इसकी डिटेल डिस्कशन है।
फिर हम इसके अंदर देखते हैं कि जो हर चीज़ को इक्वली एम्फेसाइज किया गया, चाहे पर्सनल उसका वर्क हो, पर्सनैलिटी हो, सोसाइटी हो, रोल्स हो, हर चीज़ को एम्फेसाइज किया गया। फिर इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो क्राइसिस की बात की गई उसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पोल दोनों को उठाया गया कि ये भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है, और इसमें जो नॉर्मल आपकी डेवलपमेंट है उसको इंक्लूड करके दोनों चीज़ों को अच्छे से समझाया गया। फिर इसकी मेरिट की बात करें तो इसमें एरिक्सन एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखते हुए ये चीज़ क्लियर किया कि मान लो कि कोई बच्चा एक स्टेज में फेल हो जाता है, मान लो मिस्ट्रेस की ओर चला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी सारी स्टेजों में भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो ये वन स्टेज नॉट लीड फेलियर टू द नेक्स्ट अनदर स्टेज, इट इज़ नॉट इसेंशियल, हो सकता है नेक्स्ट स्टेज के अंदर उसका पॉजिटिव वाला इम्पैक्ट चले। अब वी हैव डिमेरिट्स ऑफ एरिक्सन थ्योरी, आप चाहें तो अपनी कुछ आपको डिमेरिट्स इसमें लगती हैं तो ऐड ऑन कर सकते हो इस थ्योरी से रिगार्डिंग। अदरवाइज ये कुछ हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा ये जो है इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। तो सबसे पहले है कि वो कहते हैं कि लैक ऑफ जो स्टेजेस हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उसने। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत किया है कि इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा स्टेजेस को जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया और कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है उसको भी बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया गया। फिर इसमें है कि वो कहते हैं कि जो 8 स्टेजेस हैं वो एक जर्नल प्लान है, जेनरिक सा है, इसमें कोई उसने स्पेशल चीज़ नहीं की। बहुत सारे रिसर्चर ने ये चीज़ बहुत बार एक्सप्लेन किया है, तो कुछ स्पेशल इसके अंदर नहीं है। फिर है हमारे पास कि जो बहुत सारे क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि जो एरिक्सन थ्योरी है में इसमें हमने देखा है कि मेन एम्फेसाइज किया गया कि सोसाइटी के द्वारा जो लोग हैं, पीपल हैं, उनके द्वारा माइंड के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक वही फैक्टर तो नहीं होता ना, बहुत सारे अनदर फैक्टर भी हो सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि बच्चे के अंदर खुद ही शाइनेस का संस्कार है, मतलब वो शाय है थोड़ा, तो इसलिए वो नहीं बुलाता। हो सकता है पेरेंट्स का उस पर कोई दबाव नहीं है, पेरेंट्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो उसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो इसकी वजह से वो इनिशिएट नहीं ले पा रहा क्लास में। तो वो कहता है कि उसने वो सारे फैक्टर तो कंसीडर नहीं किए, सिर्फ सोशल फैक्टर को ही उठाया, तो इसलिए उसको भी क्रिटिसाइज किया गया। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक फिनिश होता है। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।